लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड से पहले होने वाली परेशानियां को दूर करने के लिए अपनाएं ये हमारे डाइट टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीरियड शुरू होने से लेकर के मेनोपॉज तक महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीरियड से जुड़ी समस्याएं हर महिला के लिए अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इस दौरान शारीरिक और भावनात्मक रूप से बदलाव सभी में आते हैं। कई महिलाओं में इन बदलावों का कारण प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी हो सकता है। यह एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसमें पीरियड से पहले महिला के शरीर में शारीरिक और भावनात्मक बदलाव आने लगते हैं। इसके लक्षणों में बार बार मूड स्विंग होना, खाने पीने की इच्छा ना होना, अवसाद और चिंता होना या जरूरत से ज़्यादा पेट दर्द होना शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर डाइट पर ध्यान दिया जाए तो इस समस्या को कंट्रोल में किया जा सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से छुटकारा पाने के लिए डाइट। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में एनिमल प्रोडक्ट ज़्यादा लेने से समस्या बढ़ सकती है। इसके कारण इसमें होने वाली परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको अंडे, मछली, मांस और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, पनीर, छाछ का सेवन कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगर आप भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से ग्रस्त रहते हैं तो कोशिश करें कि आप तेली चीज़ों को सेवन कम करें, यानी तले भुने जो होते हैं ना, उनको आप कम कर दें। जहाँ तेल घी ज़्यादा लगता है वो भी आप कम कर दें। साथ ही अपने दिन भर के मील में 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा तेल इस्तेमाल ना करें 24 घंटे के अंदर। इससे समस्या पर कंट्रोल किया जा सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या में ड्राई फ्रूट्स खाना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। दरअसल ड्राई फ्रूट में आवश्यक मिनरल्स और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट में बादाम, अखरोट, भुनी हुई मूंगफली जरूर शामिल करें। दालों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इनका सेवन दर्द से राहत देने और हार्मोन को कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसलिए अपनी डाइट में छोले, चना, काबुली चना, राजमा, लाल और काली मसूर जैसी दालें जरूर शामिल करें। अपनी डाइट में ज्वार, बाजरा, चना और गेहूं जरूर शामिल करें। इन चीज़ों का सेवन संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। साबुत अनाज को आप रोटी के रूप में सेवन कर सकते हैं। अगर इस दौरान आपकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आप डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेना भी शुरू कर सकते हैं। इस समस्या में कैल्शियम, विटामिन B6 और विटामिन ई के सप्लीमेंट लेना फायदेमंद हो सकता है। अगर इस दौरान आपको क्रेम्स और ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा रहती है तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। मौसम के मुताबिक सब्जियों और फलों का सेवन आपकी परेशानी कम करने में मदद कर सकता है। अपनी डाइट में 3 सर्विंग फ्रूट्स और 2 कप सलाद जरूर शामिल करें। ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को आप लाइक करना भी मत भूलें। धन्यवाद।